आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट की एज लिमिट को लेकर जो कंफ्यूजन है दूर करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसाई एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमर सार एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में अपकमिंग रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी को लेकर दो बड़े वीडियो हमने बनाए, जिसमें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन था कि भैया साल 2024 में जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में आने वाली रेलवे की पैरामेडिकल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। ये सारे वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में इधर इधर मिल जाएंगे, हम सभी इस बात को जानते हैं। और नेक्स्ट बड़ा नोटिफिकेशन ये था कि सर साल 2019 में जो वैकेंसी आई थी, साल 2019 में जो वैकेंसी थी वो आरआरबी भोपाल ने करवाई थी, और इस बार यानी कि साल 2024 का जो नोटिफिकेशन है, मतलब ये वैकेंसी पैरामेडिकल की आरआरबी जो है पटना करवाने वाली है ना, इसके बारे में भी हमने कंप्लीटली बात कर ली थी। इस दरमियान इन सभी वीडियोस पे जो सबसे ज्यादा कमेंट है वो यही है, सर इसकी एज लिमिट क्या है? और काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसकी एज लिमिट कहीं बदल तो नहीं जाएगी, क्योंकि हम सभी इस एज लिमिट को जानते हैं कि सर 35 ईयर जो है वो एज लिमिट है। और क्या इसको लेकर इस बार इस नोटिफिकेशन में बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर थोड़ा गौर करें। मैं आपको लेके चलूंगा साल 2019 के जो नोटिफिकेशन में, जहां पे कंप्लीटली मेंशन है कि सर रेलवे फार्मासिस्ट को लेकर क्या कुछ एलिजिबिलिटी एज लिमिट रहती है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं साल 2019 का ये नोटिफिकेशन है, यहां पे है ना लोअर लिमिट कितनी है सर 20 साल और अपर लिमिट कितनी है सर 35 साल, है ना। यहां पे आप देख पा रहे हैं लोअर एज जो है वो 20 साल और अपर एज क्या है 35 ईयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं सर C2 क्या है, सर ये मेडिकल कैटेगरी है जो कि कैटेगरी वाइज होती है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब बात आती है सर, कहने का मतलब ये है कि 35 साल जो है वो इसकी एज लिमिट है फॉर यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर बोले तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा भी जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट है यानी कि जो ओबीसी के हैं, जो एससी के हैं, जो एसटी के हैं या फिर पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए अलग से रिजर्वेशन रहता है। मिनिमम जो है वो आपका एज लिमिट मतलब फॉर जनरल कैंडिडेट की 35 है, उसके अलावा भी जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। सर क्या साल 2024 में भी एज लिमिट 35 रहने की संभावना है? तो जी हाँ, लगभग लगभग आप मान के चलिए 90% जो है वो ये एज लिमिट 35 रहने की पूरी पूरी संभावना है। उसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी किसी भी रिक्वायरमेंट में चेंजेज होते हैं, मतलब कि किसी भी रिक्वायरमेंट में चेंजिंग हो गए, उससे पहले रिक्वायरमेंट रूल्स बदलते हैं। वो कैसे सर? हाल ही में ईएसआईसी की वैकेंसी साल 2023 में दिसंबर में आई, जिसकी एज लिमिट पुराने पैटर्न की तरह, यानी कि पुराना पैटर्न क्या था कि सर जिसकी एज लिमिट 20 साल थी, हम सभी इस बात को जानते हैं। और इस साल के नोटिफिकेशन में भी, साल 2023 में जो नोटिफिकेशन आया उसकी भी एज लिमिट जो है वो 35 ईयर थी, ठीक है जी। उसके बाद यानी कि अब जो जितनी भी वैकेंसी है, 1000+ वैकेंसी आने वाली है, इन सभी वैकेंसी को लेकर पहले ही रिक्वायरमेंट रूल्स आ गया है कि भैया इस साल मतलब आने वाली वैकेंसी में 27 साल एज लिमिट रहने वाली है। कहने का मतलब अगर एज लिमिट चेंज होती है तो पहले रिक्वायरमेंट रूल्स आते हैं, वो रिक्वायरमेंट रूल्स पब्लिकली 1 मंथ के लिए रखे जाते हैं, सबके जो कमेंट लिए जाते हैं, उसके बाद में एज लिमिट को चेंज किया जाता है, ऐसे ही नहीं चेंज किया जाता। तो अभी तक रेलवे को लेकर कोई भी रिक्वायरमेंट रूल्स चेंज नहीं हुआ है, तो आप मान के चलिए इसकी एज लिमिट जो है वो 35 साल ही रहने वाली है। अब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बात आती है सर साल 2024 में ये नोटिफिकेशन कितनी वैकेंसियों के साथ आएगा, क्या कुछ नोटिफिकेशन आएगा, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें इस साल की एज लिमिट या सब कुछ प्रॉपर वे में पता चलेगा। बट मान के चलिए रिक्वायरमेंट रूल चेंज नहीं हुए हैं तो यही सारा पैटर्न जो है वो रहने वाला है। और उन सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा जो फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर रेलवे फार्मासिस्ट, जिसमें आपको बुक मिल जाएगी, पुराने पेपर मिल जाएगा, कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। जो भी स्टूडेंट आने वाली सभी फार्मासिस्ट, रेलवे नहीं सभी,
रेलवे हो गया, डीएसएस, सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा भी सर नॉन फार्मा कैसे प्रिपेयर करना है, तो इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें नॉन फार्मा की एक एक सब्जेक्ट को लेकर कैसे स्ट्रेटजी बनानी है उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको वीडियो लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे और कैसे कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एमसीक्यू वगैरह वो भी आने वाले समय में। मित्रों होप्स आप लोगों को इस बात का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सर 35 एज लिमिट रहने वाली है और इस बार बड़ा मौका हो सकता है क्योंकि ईएसआईसी की जो बड़ी वैकेंसी थी इस साल 35 एज लिमिट तक ही थी बट आने वाले समय में वो 27 साल ही होगी। तो जो भी नोटिफिकेशन आए तुरंत ही अपडेट रहना, जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी फॉर्म भरने की पूरी कोशिश करना। इसकी एलिजिबिलिटी लेकर हम हमेशा बात कर चुके हैं सर, इसमें डी फार्मा बी फार्मा सभी स्टूडेंट एलिजिबल है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इवन दोस्त हमारे मित्र रेलवे फार्मासिस्ट जो लगे हुए उनसे भी हमने कई बार बात की है, वो भी वीडियो आपको इधर की तरफ मिल जाएगा, उन सब से आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए मित्रों कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में अभी समय है, तो अभी समय है पढ़ने का, तो पढ़ने के लिए आपको स्टडी मटेरियल लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।